हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। और आज इस वीडियो में हम टिपिकल क्रॉस सेक्शन के ऊपर बात करेंगे और आज हम आपको 4 लेन और 6 लेन के डिफरेंट टाइप्स के TCS दिखाएंगे यहाँ पे, और उसमें जो भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं तो सारी चीज़ को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि पहले जो देख रहे हैं वो 6 लेन का है, और ये 6 लेन का प्रपोज 6 लेन डिवाइडेड हाईवे विथ सर्विस रोड एंड विथ रेज्ड मीडियन इन बिल्ट अप एरिया है ना। तो ये अपना क्या है, 6 लेन रोड का TCS है और इसमें मीडियन रेज्ड मीडियन प्रोवाइडेड किया गया है, और ये बिल्ट अप एरिया के सेक्शन में इसको कंस्ट्रक्ट करना है, वहाँ के लिए ये TCS दिया गया है। TCS क्या होता है कि ये डिफरेंट चैनल्स के लिए ये डिफरेंट रहता है ना। इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन चेंज हो जाता है डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो इसको अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले जो देखने वाले बात रहता है वो है कि अपन को पहले इसका जो विड्थ दिया गया है, विड्थ देखना रहता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो विड्थ है, ये विड्थ है यहाँ पे 52,500 है mm, मीन्स 52.5 meters का ये बोथ साइड इसका जो है विड्थ है, ठीक है। इसमें से अब इसको सभी चीज़ को डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे बेसिक क्या सब चीज़ है वो देख लेते हैं। एक तो है अपना 10.5 meter का कैरिज वे है बोथ साइड, एक साइड 10.5 meter, दूसरे साइड भी 10.5 meter का कैरिज वे है। उसके बाद इसमें सर्विस रोड दोनों साइड प्रोवाइडेड किया गया है, और ये दोनों ही सर्विस रोड 7 meter का है, ठीक है। उसके बाद जो अपने को पेमेंट डिज़ाइन करना है मेन कैरिज वे के लिए, MCW के लिए मेन कैरिज वे के लिए, वो है अपना रिजिड पेमेंट। और इसका जो अपन रिजिड पेमेंट का है, और ये रिजिड पेमेंट का जो लेयर्स हैं वो सारे लेयर्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और लेयर्स हैं अपना वही सब ग्रेड GSB DLC, उसके बाद 125 माइक्रोन थिकनेस पॉलीथीन सीट, और फिर PQC जो पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट होता है वो है। और वैसे ही सर्विस रोड जो है वो सर्विस रोड अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट है, और यहाँ पे इसका जो लेयर्स दिए गए हैं सब ग्रेड GSB WMM फर्स्ट WMM सेकेंड, WMM फर्स्ट और सेकेंड इसलिए दिया गया है कि इसमें 200 mm से ज़्यादा का थिकनेस होगा, इसलिए इसको दो लेयर में दिया गया है WMM फर्स्ट और सेकेंड, उसके बाद DBM और BC। तो ये सारे इसका जो मेन पॉइंट रहते हैं जो देखने के लिए रहता है, अपने को देखना रहता है यहाँ से, वो सारे चीज़ दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद जो कैरिज वे है, कैरिज वे के बीच में मेडियन है, मेडियन रेज्ड मेडियन, रेज्ड मेडियन के किनारे में कर्ब बना गया है, और कर्ब और जो मेन कैरिज वे, मेन कैरिज वे होता है, उन दोनों के बीच में एक सर्टेन 500 mm का जो स्पेस मेंटेन किया जाता है, और उस स्पेस को बोलते हैं साइनस बोलते हैं। वहाँ पे आपको एक मेडियन और मेडियन के बाद 500 mm दूरी पे आपको एक थर्मोप्लास्टिक पेंट का, जो अपन रोड पे थर्मोप्लास्टिक पेंटिंग किया रहता है ना, लाइनिंग किए रहते हैं, वही लाइनिंग आपको मिलेगा, तो उसी स्पेस को साइनस बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे लाइटनिंग दिया गया है, लाइटनिंग का यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, लाइटनिंग पोल्स, पेव्ड शोल्डर है इसमें 1.5 meter का पेव्ड शोल्डर है, और रेलिंग के लिए 500 mm स्पेस दिया गया है जो कि मेन कैरिज वे के किनारे में है। उसके बाद जो है अपना सर्विस रोड का बात करें तो सर्विस रोड में सर्विस रोड है 7 meter का। उसके बाद सर्विस रोड के बाद यहाँ पे फुटपाथ है, और फुटपाथ के नीचे अपना ड्रेनेज है, उसके बाद यूटिलिटी कॉरिडोर है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि एक सर्विस रोड होता है, और सर्विस रोड के साथ साथ एक स्लिप रोड होता है, एक स्लिप रोड जो कि ये दूसरा TCS में आपको दिख रहा होगा कि जो रोड के किनारे एक स्लिप रोड होता है और एक सर्विस रोड। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको हम बता दें। जो मेन कैरिज वे होता है, मेन कैरिज वे के बगल में दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे स्लिप रोड और कहीं पे सर्विस रोड। तो ये दोनों के डिफरेंस बता दें आपको कि स्लिप रोड का डिफरेंस और सर्विस रोड का डिफरेंस क्या होता है। स्लिप रोड ऐसा रोड होता है जो कि आपको अगर
इंटरसेक्शन मीन्स आपको हाईवे को चेंज करना है, दूसरे साइड जाना है, तो उसके लिए या आपने को वहाँ से उस हाईवे से एग्ज़िट होना है या कहीं पे एंट्री करना है, हाईवे पे चढ़ना है, तो उसके लिए अपने को रहता है स्लिप रोड, वहाँ पे दिया गया रहता है कि आप इस सर्टेन जगह से आप स्लिप रोड के हेल्प से आप ये हाईवे में जा सकते हैं और हाईवे से बाहर निकल सकते हैं। और सर्विस रोड क्या होता है कि उस रोड के किनारे पैरेलली एक रोड निकलता है जो कि छोटा रोड रहता है, वो वहाँ के जो भी एरिया है, वहाँ के जो भी नज़दीक के टाउन सिटी हैं उनसे वो कनेक्टेड रहते हैं और वहाँ पे जो है लाइट रेगुलर ट्रैफिक उस पर रन करता है। तो ये अपना सर्विस रोड और स्लिप रोड का डिफरेंस होता है और ये आपको हाईवे में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें और देखने वाला आप दूसरा आप देखते हैं, दूसरा TCS देखते हैं। यहाँ पे ये जो TCS है ये TCS वेकुलर अंडरपास के पास का है। ये कहीं पे जहाँ पे वेकुलर अंडरपास है वहाँ पे अपने को ऐसा रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। वेकुलर अंडरपास क्या होता है? वेकुलर अंडरपास ये ही है जो अगर जहाँ से अपने को अगर रोड ऊपर से जा रहा है और नीचे से कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे अपन वेकुलर अंडरपास बना देते हैं और वो नीचे से एक रोड रन करने लगता है। तो वहाँ का जो TCS है वहाँ पे दिखाया गया है वेकुलर अंडरपास है और वेकुलर अंडरपास और इसके दोनों साइड स्लिप रोड है और स्लिप रोड ऐसे ही जगह पे रहता है। यहाँ से क्या है कि एक हाईवे से दूसरे रोड में कनेक्ट होना है या इस रोड से जो भी कोई आ रहा होगा वो स्लिप रोड से होके मेन हाईवे पे चढ़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे स्लिप रोड दिया गया है। और ये वेकुलर अंडरपास जो बनता है तो वेकुलर अंडरपास के किनारे अपने को आरी वॉल बनाना रहता है। आरी वॉल काहे बनाना रहता है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एक सर्टेन हाइट अपने को 4 to 5 meters का हाइट अपन को देना रहता है वेकुलर अंडरपास के लिए। तो वहाँ पे अगर एक सर्टेन रोड में एक सर्टेन 3-4 meters का हाइट 5 meters का हाइट अपन अगर उसमें दे रहे तो वहाँ पे ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ग्रेडियंट को मैच करने के लिए, ग्रेडियंट को कम करने के लिए वहाँ पे एक स्लोप प्रोवाइड किया जाता है और उस स्लोप का जो फीलिंग होगा उस फीलिंग को जो है ना वो फीलिंग अपने को फीलिंग मतलब डिस्ट्रॉय ना हो, फीलिंग को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पे आरी वॉल अपन प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उसमें फीलिंग करते हैं और वहाँ पे एक स्लोप जैसा बन जाता है जिससे कि ये 3-4 meters का जो सडन राइज अपने को करना रहता है वेकुलर अंडरपास के पास तो उसको मैनेज करने के लिए अपन आरी वॉल बनाते हैं और वहाँ से ग्रेडियंट रोड का ग्रेडियंट और उसका ग्रेडियंट मैच करवा देते हैं। एक सडन राइज ग्रेडियंट में एक सडन राइज नहीं आने देते हैं, एक यूनिफॉर्म राइज रहता है। तो ये हो गया अपना दूसरा और इसमें भी वही सेम सारे सेम चीज़ हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ दो चीज़ और आपको बता दे कि ये जो एक दिया है ना 100 डाया AC पाइप वीप होल जो है, तो ये AC पाइप जो होता है ये एस्बेस्टस जो होता है ना अपना एस्बेस्टस कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट पाइप है ये AC पाइप जिसको बोलते हैं। और उसके बाद इसमें सब सेम वही है और इसमें कुछ ऐसा नया और नहीं कुछ रहता है। सेपरेटर जो है वो आप समझ ही रहे होंगे, क्रैश बैरियर जो होता है किनारे में, स्टील का भी क्रैश बैरियर लगता है और कहीं कहीं कंक्रीट का क्रैश बैरियर रहता है, तो जहाँ कंक्रीट का है तो वहाँ कंक्रीट यूज़ करेंगे अपन। और जैसे कि यहाँ पे आरी वॉल में ये फ्रिक्शन स्लैब दिया गया है तो ये फ्रिक्शन स्लैब यहाँ पे जो अपना क्रैश बैरियर है उसी के साथ उसको लगाना रहता है आरी वॉल के ऊपर किनारे साइड में। अब फिर दूसरा देखते हैं, एक और है यहाँ पे 6-lane डिवाइडेड हाईवे विथ सर्विस रोड स्लिप रोड फॉर अप्रोचेज विदाउट आरी वॉल वेकुलर लाइट व्हीकल्स अंडर पासिस इन बिल्टअप सेक्शन। और यहाँ पे जो है ये स्लिप रोड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है लेकिन वहाँ पे कोई वेकुलर अंडर पास नहीं है, उसमें डायरेक्ट किनारे में स्लिप रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है और इसमें भी सारे चीज़ वही हैं, कुछ नया नहीं है। इसमें भी वही कैरेज वे, साइनस, मेडियन, कास्ट इन सीटू, PCC। कास्ट इन सीटू का मतलब क्या होता है कि अपन उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और उसको फ्रेमवर्क को कास्ट कर लेते हैं और कास्ट करके जब वो रेडी हो जाता है तब वहाँ ला के उसको फिट कर देते हैं, तो उसको कास्ट इन सीटू बोला जाता है।
पेप्ड शोल्डर और यहाँ पे अर्थन शोल्डर तो है ही नहीं, पेप्ड शोल्डर है। तो पेप्ड शोल्डर का आपको बता दें, पेप्ड शोल्डर क्या होता है, ये आपको सेम मटेरियल है जिस मटेरियल से आपका कैरेज वे बन रहा है या स्लीप रोड बन रहा है, उसी सेम मटेरियल का रहता है वो। बस वो एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में जो व्हीकल्स हैं हैवी व्हीकल्स हैं वो नहीं जाते हैं उसमें, स्मॉल मतलब लाइट व्हीकल्स के लिए वो रहता है। मीन्स एक वो सेफ्टी जोन जैसा रहता है, अगर कोई जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो उसमें जा रहे हैं तो एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो रहता है। उसके बाद है इसमें और भी दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे TCS है, ये सारे एक प्रोजेक्ट के जो भी TCS हैं सारे यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो ई परसेंटेज जो लिखा गया होगा, ये ई परसेंटेज का मतलब होता है कैम्बर, है ना, कैम्बर का परसेंटेज जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो भी कैम्बर का परसेंटेज है वो ई परसेंटेज का डिनोट जो किया गया है वो कैम्बर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं। और ये आपको एक चीज़ यहाँ पे और दिख रहा होगा, मेडियन के बीच में जो है 40 mm SDPE पाइप है, ये होता है हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन पाइप होता है, पॉलीथिलीन पाइप होता है। ठीक है, पॉलीथाइलिन पाइप ही उसको यूज़ किया जाता है, यहाँ पे मेडियन के बीच में डाले रहते हैं। और जो अपना इसको कोई भी वायर्स का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है उसके लिए डाला रहता है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे कि जो अपना जिस रोड के दोनों साइड में आपको अगर ड्रेनेज मिल रहा है, वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम है, तो वहाँ पे अपने को जो है ना स्लोप का जो मेंटेन रहता है, रोड का स्लोप वहाँ पे अपने को मेंटेन नहीं करना रहता है। वहाँ पे क्या होगा कि आपको फिक्स्ड विथ में नीचे से ऊपर तक आना रहेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो ये अपना ड्रेनेज का जो वहाँ पे वॉल रहता है, वो ड्रेनेज वॉल आपको एक रिटेनिंग वॉल का काम कर देगा। वहाँ पे मटेरियल जो आपका सोयल है, अर्थ मटेरियल है, वो वहाँ पे स्लोप नहीं भी बनाएगा तो भी वहाँ पे स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये सारे हैं, ये अपना वेकुलर अंडरपास के पास का ही स्लिप रोड है, ये सब तो बता दिए थे। और यहाँ पे ये टोल का रैंप के लिए ये है, वहाँ के लिए ये TCS है, इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो TCS है ये 4 lane का है, यहाँ तक जो भी दिखाए थे 6 lane का है, अब इसके बाद ये 4 lane का आ गया है। और 4 lane का जो है तो ये अपना 43 meters का है, इसका टोटल विड्थ है बोथ साइड का। और इसमें स्लोप प्रोवाइड किया गया है, ये आप देख सकते होंगे साइड में ये स्लोप दिया गया है, 1 vertical 2 horizontal का। और इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, और ड्रेनेज नहीं होने के कारण से यहाँ पे अपने को स्लोप प्रोवाइड करना रहता है, क्योंकि जो अपना अर्थ मटेरियल रहता है वो एक 90 डिग्री में नहीं रहता है, वो उसको एक मैक्सिमम स्लोप बनाना रहता है, तभी जाके वो स्टेबल रहेगा। और यहाँ पे आपको अर्थन शोल्डर भी मिल रहा है देखने को, और साथ साथ पेप्ड शोल्डर भी है। अर्थन शोल्डर जो है उसका मेन काम क्या होता है कि जो भी मटेरियल, जो भी लेयर्स हैं, उन सारे लेयर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मेडियन यहाँ भी है, साइनस यहाँ भी है, सेम होता है साइनस का भी, जो अपना मेडियन का जो कर्व होगा वहाँ से जो मेन कैरेज वे जहाँ से स्टार्ट होगा उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं साइनस। और वहाँ पे एक थर्मोप्लास्टिक पेंटिंग किया रहता है ना, जहाँ से उसके बाद से अपना मेन कैरेज वे का विड्थ स्टार्ट होता है। ठीक है, एम्बैकमेंट आपको पता ही है कि एम्बैकमेंट ये ऐसा अर्थ फीलिंग है जिस अर्थ फीलिंग से के हेल्प से अपन जो सबग्रेड का जो लेयर है, सबग्रेड का जो लेयर अपने को डालना है जहाँ से जितने लेयर में वहाँ तक पहुँचने के लिए जो फिलिंग करेंगे, सबग्रेड लेयर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए जो अपने को फिलिंग करना रहता है, उस लेवल तक पहुँचने के लिए जो अर्थ का फिलिंग करना पड़ेगा, वो सारे फिलिंग को एम्बैकमेंट बोला जाता है। तो ये सारे 4 lane के फोर लेन का ये TCS है, और ये भी अपना PQC रोड है, मीन्स रिजिड पेमेंट है।
तो ये आप देख सकते हैं इसमें भी सेम वही सबग्रेड, सबग्रेड के बाद ग्रैनुलर सब बेस, उसके बाद ड्राईलीन कंक्रीट, ड्राईलीन कंक्रीट के ऊपर 125 माइक्रोन थिक पॉलीथीन सीट, और उसके बाद जो है पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। ये सारे टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ड्रेनेज भी है, और ड्रेनेज के साथ में यहाँ पे लाइटिंग पोल्स भी हैं। और यहाँ पे जो मेडियन दिया गया है, इससे पहले आप रेज्ड मेडियन देखे होंगे, और पर यहाँ पे जो मेडियन दिया गया है वो यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व करके दिया गया है ना, यहाँ पे रिजर्व पार्ट है, ये एरिया को रिजर्व एरिया रखा जाता है यहाँ पे, और इसमें 1:6 का स्लोप मेंटेन करना रहता है। और ये भी PQC रोड ही यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होना है। और यहाँ पे ये किस चेनेज से किस चेनेज में इस टीसीएस को अप्लाई करना है वो यहाँ पे दिया गया रहता है ना, फ्रॉम 39+100 टू 39+200, लेंथ 100 मीटर, ये सारे यहाँ पे डिटेल दिए रहते हैं आपको। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इस टीसीएस को कहाँ पे अपने को एप्लीकेबल करना है। तो ये सारे टीसीएस हैं एक प्रोजेक्ट के, और ये आप सब यहाँ ये सारे टीसीएस को देख के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गेन किए होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टीसीएस का डिटेल दिया रहता है, इस टीसीएस को किस किस लोकेशन पे एप्लीकेबल करवाना है, तो उसी रिस्पेक्ट में इसको एप्लीकेबल करना रहता है। और भी बहुत सारे इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाए रहते हैं। ये नोट्स है, ये नोट्स को भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस स्पेसिफाइड, जहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया होगा वही, जिसमें स्पेसिफाइड किया गया है जिस यूनिट में वो यूनिट होगा, अनलेस सभी मिलीमीटर में दिया गया है। पेमेंट थिकनेस सेल बी एज पर पेमेंट डिज़ाइन रिपोर्ट, और यहाँ पे पेमेंट का जो है थिकनेस स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, और इसको अपने को पेमेंट डिज़ाइन रिपोर्ट के हेल्प से इसको डिज़ाइन लेना है उस थिकनेस। फॉर डिटेल ऑफ ई परसेंटेज रिफर हॉरिजेंटल कर्व डिटेल, और हॉरिजेंटल कर्व डिटेल जो होता है वहाँ से अपने को जो परसेंटेज देखना है कैम्बर का वो वहाँ से अपने को मिलेगा। फॉर डिटेल ऑफ कर्व रिफर टू ड्राइंग नंबर, इतना कर्व के लिए आपको ड्राइंग नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस ड्राइंग में जाके देखिए। फॉर डिटेल ऑफ लाइन ड्रेन जो है आपको इस ड्राइंग में जाके देखना है, वहाँ से उसका डिटेल मिलेगा। तो ये सारे चीज़ आपको देखना रहता है, समझना रहता है, तब जाके इसको इसका कंस्ट्रक्शन आप इस चीज़ को आप ग्राउंड पे उतार सकते हैं, इस चीज़ को ग्राउंड पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये अपना टीसीएस। तो होप कि आपको ये वीडियो से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।